मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA, अगली स्क्रीन में जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं जो कि इंग्लिश एवं हिंदी दोनों में उपलब्ध हैं। अपनी सुविधा अनुसार आप अपनी भाषा का चयन कर सकते हैं और सभी जनरल इंस्ट्रक्शंस को एक बार अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसमें सभी प्रश्नों को हल करने की अवधि के विषय में बताया गया है। पेपर वन में 50 प्रश्न हैं तथा इन्हें हल करने के लिए 60 मिनट का समय मिलेगा और पेपर दो में 100 प्रश्न दिए गए हैं और इन्हें हल करने के लिए 120 मिनट या 2 घंटे का समय मिलेगा। आपको स्क्रीन के बाईं ओर कुछ रंग बिरंगे बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं। यदि आपने कोई प्रश्न हल नहीं किया तो उस प्रश्न का बॉक्स आपको ग्रे कलर का दिखाई देगा। इसका तात्पर्य ये है कि आपने उस प्रश्न को देखा नहीं है। यू हैव नॉट विजिटेड द क्वेश्चन येट। यदि आपने कोई प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है और आप अगले प्रश्न पर चले गए हैं तो उस प्रश्न का बॉक्स आपको लाल रंग दिखाई देगा। यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन। यदि आपने कोई प्रश्न का उत्तर दे दिया है तो उस प्रश्न का रंग हरा हो जाएगा एवं इस प्रश्न का मूल्यांकन किया जाएगा। यू हैव आंसर्ड द क्वेश्चन। दिस मीन्स दैट यू हैव आंसर्ड द क्वेश्चन। यदि आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया और पुनर्विचार के लिए चिन्हित किया तो उस प्रश्न का बॉक्स बैंगनी रंग का हो जाएगा, विच मीन्स दैट यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन बट हैव मार्क्ड द क्वेश्चन फॉर रिव्यू। यदि आपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया और उस प्रश्न को समीक्षा के लिए चिन्हित किया है तो उस प्रश्न का बॉक्स बैंगनी रंग का हो जाएगा जिस पर एक छोटे हरे रंग का चिन्ह अंकित होगा और उसका मूल्यांकन किया जाएगा। विच मीन्स दैट द क्वेश्चन हैज बीन आंसर्ड एंड मार्क्ड फॉर रिव्यू एंड इट विल बी कंसिडर्ड फॉर इवेल्युएशन। यदि आप इस पेज को नीचे स्क्रोल करेंगे तो आप देखेंगे कि निर्देशों के पढ़ने के लिए के बाद आपको उनको अग्री करना होगा। एक छोटा सा बॉक्स है जिसमें आपको टिक करना होगा एंड आई हैव रेड एंड अंडरस्टूड द इंस्ट्रक्शंस। जब तक आप ये स्टेप नहीं करेंगे आप आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। अब आप यह चिन्ह अंकित करके आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आप अगली स्क्रीन पे आ जाएंगे। अगली स्क्रीन में आपके सामने पहला प्रश्न आएगा एवं दाई ओर पूरा क्वेश्चन पैलेट दिखाई देगा जिसमें 1 से लेकर 50 तक बॉक्स बने हुए हैं। ये बॉक्स दर्शाते हैं कि आपने 50 प्रश्न के उत्तर देने हैं। साथ ही साथ आपके टेस्ट का टाइम भी राइट हैंड साइड पे आपको दिखाई देगा। यहाँ पर कलर्ड बॉक्सेस भी दिखेंगे जिनके बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। ग्रे कलर नॉट विजिटेड, ग्रीन कलर दैट यू हैव आंसर्ड द क्वेश्चन, रेड कलर दैट यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन, पर्पल कलर दैट यू हैव मार्क्ड फॉर रिव्यू एंड पर्पल कलर विद अ स्मॉल ग्रीन साइन विच सेज आंसर्ड एंड मार्क्ड फॉर रिव्यू एंड दिस विल बी कंसिडर्ड फॉर इवेल्युएशन। चलिए पहला प्रश्न अटेम्प्ट करते हैं। अगर हम इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन 2 देना चाहें तो हम ऐसे नीचे स्क्रॉल करके ऑप्शन 2 में हम टिक लगा सकते हैं एंड हम इसको सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अब हम क्वेश्चन 2 पे आ गए हैं और यहाँ आप देखिए कि पहले प्रश्न में ग्रीन कलर आ गया है, विच मीन्स दैट यू हैव आंसर्ड द क्वेश्चन। अब अगर आप देखेंगे कि इस एरो को आप क्लिक करते हैं तो ये क्वेश्चन आपका बड़ा हो गया, एक्सपैंड हो गया एंड यहाँ से क्वेश्चन पैलेट डिसअपियर हो गया, तो इससे आपको ये पढ़ने में ज़्यादा आसानी होगी। अब सपोज़ हम इसका क्वेश्चन 2 का हम इसको क्वेश्चन 3 ऑप्शन 3 पे क्लिक करके एंड सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू करते हैं तो हम क्वेश्चन 3 पे आ जाते हैं। अब अगर हमें बैक जाना है तो हम ऐसे बैक जाके अपना आंसर चेंज भी कर सकते हैं।
तो अब हमने फिर ऑप्शन टू किया एंड हमने मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट कर दिया, तो हम क्वेश्चन थ्री में आ गए। अब हम एरो को अगर क्लिक करेंगे तो हम वापस अपने क्वेश्चन पैलेट में आएंगे और आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन टू पर्पल है, विच मीन्स दैट वी हैव मार्क्ड इट फॉर रिव्यू। हम इसको बाद में विजिट करेंगे। अब क्वेश्चन थ्री में अगर हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो हमें फिर ऑप्शंस मिलते हैं और इसमें हम अगर मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट करना चाहें तो अभी हम इसको उत्तर नहीं देना चाहते, लेकिन हम इसे मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट करना चाहते हैं, तो इसमें भी पर्पल आ गया। लेकिन अगर हम इसको सोचते हैं कि हम वापस जाके इसको दोबारा से इसका उत्तर हमारे दिमाग में आ गया है और हमने इसका उत्तर दे दिया, तो हम ऐसे करके सेव एंड नेक्स्ट पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि पर्पल कलर ग्रीन में बदल गया है, मतलब आपने इसका आंसर दे दिया है। अब हम चौथे प्रश्न पर हैं और क्वेश्चन फोर को आंसर करने के लिए हम इसे नीचे स्क्रॉल कर रहे हैं। आप देखिए इन चार ऑप्शंस में से अगर आप सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू को बटन दबाते हैं बिना ऑप्शन चूज किए तो आपको ये अलर्ट मिलेगा कि प्लीज़ चूज़ एन ऑप्शन। आप उसे क्लिक करके एक ऑप्शन चूज़ करिए और फिर सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू करिए। अगेन यू विल सी दैट यहाँ पे आपने क्योंकि ऑप्शन चूज़ कर लिया है और यहाँ पर आप ये ग्रीन कलर, आप छोटा सा चिन्हित ग्रीन जो हमने पहले एक्सप्लेन किया था वो आप देख रहे हैं। अब हम अगले प्रश्न पे पहुँच गए हैं विच इज़ क्वेश्चन फाइव। क्वेश्चन फाइव में हम इसको क्वेश्चन को नीचे स्क्रॉल करेंगे एक बार दोबारा, हम दिखाते हैं कि इसको आप प्रश्न को अच्छे से देखना चाहें तो इसको कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं और इसके ऑप्शंस के लिए नीचे जा सकते हैं। अब आपको लगा कि इसमें से आप पहला ऑप्शन चूज़ करना चाहते हैं तो ये आप करें एंड सेव एंड नेक्स्ट करके चले जाएं। लेकिन अभी आपको दिख नहीं रहा है कि आपका क्या आया है क्वेश्चन पैलेट में, तो अब आप देखिए ये ग्रीन आ गया है। लेकिन अगर आप नेक्स्ट पे चले गए क्वेश्चन सेवन, क्वेश्चन एट, क्वेश्चन नाइन और आपने इनको आंसर नहीं किया तो ये तीनों रेड रह जाएंगे। इस तरह से जब तक आप पूरे 50 क्वेश्चंस नहीं करेंगे आप इसको सबमिट नहीं कर पाएंगे और जब आपका समय समाप्त हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चंस आपके सबमिट हो जाएंगे और आपका क्वेश्चन पेपर एंड हो जाएगा। अगर आपको ये एक्सपीरियंस एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देने का अच्छा लगा तो आप ज़रूर अपने आप को रजिस्टर करिए टेस्ट प्रैक्टिस सेंटर में। हमारी पूरी ये कोशिश रहेगी एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि आपको वो टेस्ट प्रैक्टिस सेंटर दिया जाए जो आपके अपने स्थान से बिल्कुल करीब है। लेकिन क्योंकि चॉइसेस आपसे 4 मांगी गई हैं, यदि आपको ये एक्सपीरियंस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देने का अच्छा लगा और ये आपको फैसिलिटेट करेगा एक्चुअल एग्जामिनेशन में अपनी परीक्षा के लिए प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप अपने आप को ज़रूर रजिस्टर करिए। अब आप स्क्रीन पे देखें कि आपने पहला प्रश्न का उत्तर दिया है, 3 का दिया है, 5 का दिया है और चौथे प्रश्न का आपने मार्क फॉर रिव्यू था एंड लेकिन ये इवेल्युएट होगा क्योंकि आपने मार्क फॉर रिव्यू करके इसको ऑप्शन भी भरा है, लेकिन 2 में आपने ऑप्शन नहीं भरा है तो ये इवेल्युएट नहीं होगा। क्योंकि बाकी सब प्रश्न अभी उत्तर नहीं दिए गए हैं तो ये इवेल्युएट नहीं होंगे। अब अगर आप इसे सबमिट करते हैं तो आप अपनी समरी देख सकते हैं कि आपने 42 क्वेश्चंस नहीं विजिट किए हैं और 3 आंसर किए हैं, 3 आंसर नहीं किए हैं, 1 मार्क फॉर रिव्यू किया है और 1 मार्क फॉर answered and marked for review which is going to be considered for evaluation. अब एक बार फिर आपसे पूछा जाएगा कि are you sure you want to submit for final marking, because after you've said yes then no changes will be allowed after submission. तो अगर आप no कहते हैं तो आप वापस उस स्क्रीन पर पहुँच जाएंगे और आप अपने और प्रैक्टिस जारी रख सकते हैं। लेकिन अगर आप सबमिट करने के बाद यस कह देते हैं तो फिर आप कोई चेंजेस नहीं कर पाएंगे।
एंड जो आपने रिस्पॉन्स सबमिट किए हैं वो फाइनल मार्किंग के लिए फाइनल सबमिशन चले जाएंगे। एंड आप यहीं पर अपने टेस्ट प्रैक्टिस सेंटर पे भी अपना रिजल्ट देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपने सब रॉन्ग मार्क किया है तो आपके क्या मार्क्स हैं, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, कितने नहीं किए हैं और सारी करेक्ट ऑप्शंस क्या हैं, आंसर की भी आपके लिए दी गई है।